भारत के कुछ ऐसे शहर का नाम जो सुनकर आप भी बोलोगी। गंदे ये जगह झारखंड के गिरिडीह जिले में मौजूद है। वैसे इस जगह का सिर्फ नाम ही गंदे है और लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं। कैसा हो अगर कोई आपको चिढ़ाने के लिए पनौती बोलता हो और उन्हें पता चले कि आपका तो गांव भी पनौती है। ये गांव उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। यहाँ जानवर वाले सुअर की बात नहीं हो रही, ये सुअर एक गांव है जो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में है। ये दारू झारखंड के हजारीबाग जिले में मौजूद है और पता नहीं इस गांव का नाम दारू क्यों रखा है, क्योंकि मुफ्त की दारू तो यहाँ मिलती ही नहीं। फोर्ब्स की मैगजीन में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और पैसा कमाना पड़ता है, लेकिन बिहार के अररिया जिले में मौजूद फोर्ब्स गैंज में आने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। छूटिया, सोचो आप इस गांव से हो और कोई आपसे आपके गांव का नाम पूछे। वैसे ये झारखंड के रांची में है। वेंकटा नरा सिम्हाराजू वारिपेटा ज्यादा पढ़े लिखे हो तो ये नाम पढ़ के दिखाओ। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर मौजूद रेलवे स्टेशन का नाम है। भोसरी अश्लीलता के लिए माफी पर ये तो जगह का नाम रखने वाले को सोचना चाहिए था। ये गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। अब सोचो बस में सफर करते समय इस गांव में उतरने वाले सवारी को कंडक्टर क्या कहता होगा। अगर आपका भी सपना है सिंगापुर घूमने का लेकिन पैसे कम है, तो आप हमारे भारत में मौजूद सिंगापुर में भी घूम के भी अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं। ये सिंगापुर तेलंगाना के मैंचेरियल जिले में मौजूद है। ओधनिया, ये नाम किसी को अजीब लग सकता है और किसी को मजेदार। ये राजस्थान के चाचा गांव में मौजूद एक रेलवे स्टेशन है। टटीखाना, ये जगह तेलंगाना के रंगारेड्डी में मौजूद है। इसका नाम चाहे बहुत ही अजीब हो लेकिन ये घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। अचानक मार छत्तीसगढ़ में मौजूद है और इसे ये नाम पता नहीं क्यों दिया है, शायद यहाँ के लोग दूसरों को अचानक मारते होंगे। चिंचपोकली, ये जगह चीन का नहीं है बल्कि ये महाराष्ट्र के साउथ मुंबई में मौजूद है। बिली जंक्शन, ये एक रेलवे स्टेशन है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है।